कभी ना खत्म होने वाले काम और उन कामों को अगर आपको अकेले करना पड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बहुत ढेर सारे काम हैं जितने आपके पास हैं, लेकिन हाँ मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है और अब मैं काम खुद ही करती हूँ और इसको करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। और पहले भी ऐसा होता था जब मैं जॉब करती थी कि कभी तो मुझे कोई भी हेल्पर मिल जाती थी, मेड मिल जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि हमें सारे काम खुद ही मैनेज करने होते थे। तो इसी तरीके के टाइम में मुझे ये आदत डाल दी कि हमें किसी पे ना डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं तो उसका एक आनंद और मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ बगैर किसी हेल्प के। जब खुद काम करना शुरू किया तो ये सोचा कि किस तरह से काम करें, क्योंकि शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, बस सुबह से शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए और फिर पूरे दिन काम ही करते रहते हैं और यही आदत हमारी पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है। लेकिन अपना ना हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए और वो अपने एटमॉस्फियर, अपनी सराउंडिंग्स और अपने घर के लोगों के हिसाब से बनाना चाहिए। हर घर के तौर तरीके, रहने का ढंग, खाने का ढंग बिल्कुल अलग होता है और उसी तरह से काम करने का ढंग भी अलग होता है। तो जिस तरह के घर का माहौल हो उसी तरीके से अपने आप को ढालिए। अब जैसे बहुत सारे घर होते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी करते हैं, कहीं देर में करते हैं, कहीं नहीं करते और सीधे ही लंच बनता है, तो इसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। कभी भी आपका जो प्लान है दूसरों को देख के नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने करी थी वो अपने दिन को कुछ हिस्सों में बांट के करी थी ताकि पूरे दिन मैं ना लगी रहूं और मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाए। कभी अपने बच्चों की वजह से और कभी जॉब की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जॉब करते टाइम मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ गया सुबह, और तब मैं अपने सारे काम खत्म करके अपनी जॉब पे जाया करती थी। यही एक आदत मेरी ऐसी बनी कि जिसको कि जब मुझे हेल्प भी मिली तब भी मैंने नहीं छोड़ा, और जब सुबह जल्दी उठने लगी तो बिल्कुल भी अपने टाइम को बस बैठ के चाय पीते रहने में मैंने वेस्ट नहीं किया कि चलो एक बार और चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं या थोड़ा रुक के काम करना स्टार्ट करेंगे। ऐसी आदतें अपने अंदर नहीं डाली, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जब सुबह एक बार काम में लग गए ना तो एक एक मिनट हमने अपनी यूटिलाइज़ करी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप सुबह उठ के बातें करने बैठ जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम चला जाता है, और सुबह उठकर भी मैं वो काम सबसे पहले करती हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उनका एक टाइम बांध देती हूँ। और ज़रूरी कामों को पहले करना, जैसे कि पूजा कर लेना, घर में झाड़ू लगा देना और थोड़ी सी कुकिंग की तैयारी कर लेना, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट अपने टाइम पर ही चाहिए, आपकी सफाई से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो जैसे लॉन्ड्री वगैरह का काम है वो अब मैं शाम को करने लगी हूँ। अब ये मेज़ यहाँ से हटानी थी, इस टेबल को हटाना था ना, तो मुझे शाम का टाइम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि घर में अगर थोड़ी सी भी चीज़ आप इधर से उधर करते हैं तो बहुत सारा काम फैल जाता है। इसीलिए ये सब करना ना एक टाइम पे ज़रूरी होता है। जब कभी भी आपको ऐसा काम करना हो तो बस ये देख लीजिए कि थोड़ा सा आपके पास फ्री टाइम हो और इसी में घर का एक छोटा सा सेक्शन आप डेली साफ़ करिए। जैसे आज इस कमरे का ये वाला सेक्शन मैंने क्लीन किया क्योंकि जन्माष्टमी का बहुत सारा सामान मैंने इस रूम में रख रखा था, और ये सारा काम भी मैंने इवनिंग में किया। और जब कभी भी मैं काम करती हूँ ना तो इकट्ठा बहुत ढेर सारा सुबह के टाइम घर में काम होता है, तो उसमें बस ये ध्यान रखती हूँ कि बीच बीच में मैं छोटे छोटे से ब्रेक्स लूँ। जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ और अपनी केयर पे ध्यान देती हूँ, मतलब अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, और थोड़ा सा रिलैक्स करने से ना आप आगे और काम करने के लिए बिल्कुल एनर्जी गेन कर लेते हो। और इसी के साथ साथ ना मेरी एक्सरसाइज भी चलती रहती है जब मैं काम करती हूँ, और इसी के साथ साथ चलती है मेरी और भी चीज़ों की देखभाल। अब जैसे अगर मैं स्किन केयर की बात करूँ तो स्किन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो चलो अब मैं आपको बताती हूं एक बहुत अच्छी चीज जो कि मैंने अभी शुरू करी है और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एज बढ़ने के साथ साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं और वो है स्किन पिगमेंटेशन, ड्राइनेस, डलनेस, फाइन लाइंस और रिंकल्स, जो स्ट्रेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है स्किन में कोलेजन की कमी, जो लेडीज में 30 की उम्र के बाद होना स्टार्ट होती है। अपने स्किन के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिससे स्किन में ग्लो आए, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स ऊपर से काम करते हैं और स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में कोई भी हेल्प नहीं करते। तो इनको ना हमें अंदर से ठीक करना होगा, और स्किन में कोलेजन एक ग्लू की तरह काम करता है जो स्किन सैगिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स को बनने से रोकता है।
इसलिए मैंने अपनी डाइट में कोलेजन सप्लीमेंट ऐड किया है और वो है एचके वाइटल्स वेज कोलेजन। जब मुझे पता चला तो मैंने रिसर्च शुरू करी और नोटिस किया कि कोलेजन एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। फिर एक दिन वाइल स्क्रॉलिंग मुझे पता चला एचके वाइटल्स वेज कोलेजन के बारे में, और इसकी खास बात ये है कि ये इक्वली इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मरीन कोलेजन। इसमें है वेज कोलेजन पेप्टाइड्स जो ब्रोकली, कैरेट्स एटसेट्रा से बने हैं, और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई प्रेजेंट है जो स्किन को ग्लोइंग, हाइड्रेटेड और इवन टोन कम्प्लेक्शन देता है। ये एक क्लिनिकली प्रूवन कोलेजन है और अगर इसे आप 8 वीक्स तक रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन इलास्टिसिटी और फर्मनेस इम्प्रूव होती है। इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करना काफी इजी है। जस्ट ऐड 1 स्कूप ऑफ कोलेजन इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अच्छे से मिक्स करके लीजिए। आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस कोलेजन और आप डिफरेंस ना मेरी स्किन में देख सकते हैं। मेरी स्किन काफी ग्लोइंग और हाइड्रेटेड हो गई है, मेरी फाइन लाइंस भी काफी कम हो गई हैं, और ये रिजल्ट ना मुझे किसी और प्रोडक्ट में नहीं दिखा, और मैं इसे ना अब रोज लेना कंटिन्यू करूंगी। सो इम्प्रूव योर स्किन हेल्थ विद एचके वाइटल्स स्किन रेडियंस कोलेजन एंड सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। घर में आपको अलग से कोई भी टाइम नहीं मिल पाता है जिसमें आप पूरे घर की एक बार में डस्टिंग कर सकें, तो ज़्यादातर किचन में या बाथरूम वगैरह में ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ पे रहती हूँ तभी वहाँ के सारे सामान को मैं क्लीन कर देती हूँ, और इससे मुझे अलग से कोई भी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करना जिससे जो है हमारा काम आसान हो जाए, किचन में काम करते टाइम चॉपिंग बोर्ड ऐसा यूज़ करना जैसे जितना भी सामान है, मतलब जो छिलके वगैरह हैं वो इसमें आ जाएं, एक टाल वगैरह बिछा के अच्छी तरीके से सामान को सेट करके फिर सफाई से खाना बनाना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ जैसे ही मेरा किसी जगह काम खत्म होता है मैं सारा काम समेट लेती हूँ। जैसे किचन में मैंने अभी लंच बनाया है तो साथ के साथ मैं पूरी किचन को क्लीन कर दूंगी, जो भी ब्रेकफास्ट के या दूध वगैरह के जितने भी बर्तन हैं उन्हें मैं अभी वॉश करके लगा दूंगी, यानी जब कभी भी मैं इस इलाके से गुजरूँ ना तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम दिखाई ना दे, और इससे आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। और जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। पॉजिटिव रहना और रखने में बड़ा अंतर होता है। जब कभी भी आप बिल्कुल इस तरह से पॉजिटिव रहते हो, हंसते रहते हो, तो आपके काम की स्पीड बढ़ जाती है और आपका चिड़चिड़ाना भी बंद हो जाता है। और इसके साथ एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी काम बड़ा नहीं होता है, हमारे इफ़र्ट्स बड़े होते हैं। अगर हम अपने प्रयास या इफ़र्ट्स किसी भी काम में लगाते हैं तो उस काम को हम बहुत छोटा कर देते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मेरे अंदर है। कोई भी अगर शुरू करना होता है, मतलब अब मेरे अंदर आ गई है, तो मुझे उसे करना होता है, चाहे मैं उसे एक दिन में करूं, दो दिन में करूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं इसमें कुछ भी इफर्ट्स डालूंगी तो ये काम हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे मेरे प्लांट्स के काम हैं, 3-3 मैंने घर में गार्डन बना रखे हैं, तो सब में एक टाइम मॉर्निंग के टाइम में पानी नहीं लगा सकती हूं। तो जो मेरा छत वाला गार्डन है ना, इसमें ज्यादातर मैं शाम का टाइम चूज करती हूं जिसमें कि मैं इसमें पानी लगा सकूं। तो बहुत सारे काम मेरे ऐसे होते हैं जो दिन में होके शाम के टाइम में होते हैं। इसी तरीके से मैंने अपने पूरे दिन को मैनेज कर रखा है। सब प्लांट्स में बहुत अच्छी तरीके से मैंने पानी लगा दिया है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। रात में ऐसा मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, इनसे कोई भी एरिया इतना सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर ठाकुर जी का दीपक जल रहा है। बिना किसी मेट के मेरा बहुत सारा काम इसलिए भी आराम से हो जाता है क्योंकि मैं रात को काफ़ी सारा काम करके सोती हूँ। पूजा के बर्तनों को वॉश कर देना, घर के सारे जो कुशंस वगैरह फैले हैं उन्हें सेट कर देना, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह रख देना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किचन की क्लीन करके, किचन को क्लीन करके रखना, मतलब जितने भी बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ। मुझे गंदे बर्तनों की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह उठती हूँ तो बहुत उल्टी सी उपकाई सी आती है अगर गंदे बर्तनों की स्मेल आ जाए तो। रात को ही पूरी किचन में क्लीन करके सोती हूँ और ये मेरी अब बिल्कुल एक आदत बन गया है, और इससे मेरा सुबह का बहुत लंबा टाइम बचता है और मुझे साफ सुथरी किचन मिलती है।
और रात के टाइम एक चीज़ और जो मैं ज़रूर करती हूँ, अब मतलब करती ही हूँ, और वो है अगले दिन की तैयारी। मतलब अगले दिन ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है। और इसी के साथ, जैसे देखिए कल मुझे सोया चाप की कुछ सब्जी बनानी है, तो मैंने रात को ही ये बॉयल करके रख दी हैं और अब इनको छोटा छोटा कट करके मैं रख दूँगी। और सुबह उठ के बस जब मैं सब्जी बनाऊँगी तो मसाला पीस के बस इन्हें कट करके और फ्राई करके, या इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब इन्हें मैरिनेट करके, या तो इन्हें स्नैक्स की तरह से बच्चे खा लेंगे या इनकी सब्जी बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारा काम मैं रात को करके सोती हूँ, और रात के टाइम हम काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, इसलिए ये सारा काम हो भी जाता है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो घर है या हमारा जो काम है वो हमारी आदतों से ज़्यादा चलता है, बजाय इसके कि हम उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन धीरे धीरे उस प्लानिंग को करने की भी आपको आदत डालनी होगी, तभी आपका काम हो जाएगा। कभी भी हम ये सोचें कि 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे ना, तो कभी नहीं हो पाएगा। 2 दिन आप करेंगे और 3रे दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। इसीलिए अपनी आदत कुछ ऐसी बनाइए कि सुबह जल्दी उठकर अपना टाइम वेस्ट ना करके एक निश्चित टाइम तक अपना काम खत्म करिए। और कभी कभी मन कर रहा है तो मज़े से पूरे दिन भी काम करिए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन खूब मज़े से काम करती रहती हूँ। जब हम सारा काम अकेले खुद करते हैं तो हमारे पास दिन भर में ऑलरेडी बहुत ढेर सारा काम रहता है। इसीलिए किसी भी एरिया की अगर डीप क्लीनिंग आपको करनी हो तो उसके लिए आपको अपना मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो इसीलिए कभी भी जो आपके रेगुलर डेज के काम होते हैं उसमें डीप क्लीनिंग का दिन एक अलग रखिए, और डेली अपने वो काम निपटाइए जो आपको रेगुलर जल्दी करने हैं और जिनका करना ज़रूरी ही हो। जैसे किचन में ही अगर डीप क्लीनिंग करनी हो तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको कुछ एक आध घंटे में कर लें, पूरा दिन जाता है। तो अलग से एक टाइम निकालिए, लंच वगैरह बना के रख दीजिए, ब्रेकफास्ट बना के रख दीजिए, और आराम से उस डीप क्लीनिंग को भी इंजॉय करिए। क्योंकि जब ये सब आप काम कर लेते हो तो आपको अच्छा लगता है कि अब अपने घर में कुछ सफाई कर ली है। और घर में जो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है वो होता है कुकिंग का, तो इसे थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होता है। मील की प्रिपरेशन करना, सबके इंटरेस्ट और चॉइस का ख्याल रखना, और उसके अकॉर्डिंग अपने हफ्ते का मील प्लान तैयार कर लेना। मुझे पता है अब तो आदत पड़ गई है ना, जैसे कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या सब्जी की ज़रूरत मुझे पूरे हफ्ते में पड़ेगी, पहले ही मंगा के रख लेती हूँ। जो काट के रखनी होती है कट करके रख लेती हूँ, और इस तरह से मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे क्या बनाना है, जिससे मेरा काफ़ी बड़ा टाइम बच जाता है। घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए तो ज़रूरी होते हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखते। उनमें से एक है डस्टिंग। ठीक है, घर साफ अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठते ही हमें डस्टिंग की तरफ फोकस करना है। बजाय इसके कि आप अपने लिए टाइम निकालें, एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाएं, लंच की तैयारी करें और घर की नॉर्मल जो बेसिक क्लीनिंग होती है उसको करें। इसीलिए मैं डस्टिंग का काम जो है वो दोपहर ही में रखती हूँ, या तब करती हूँ जब मेरा कोई और काम चल रहा होता है। इससे मुझे कभी भी काम बहुत बड़ा सुबह के टाइम पे नहीं लगता है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ना तो ये हमारे काम को 50% तक कम कर देता है। ये मैंने खुद देखा है। अगर सारी चीज़ एक जगह बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रखी होती हैं तो आपके काम की स्पीड पता नहीं कितने गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये एक घर है जिसमें आपका सामान कुछ दिन तो सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो फैलता भी है, बिगड़ता भी है। लेकिन उसे रेगुलर हमें सही करना होता है, और इसका एक तरीका ये है कि आप जो भी आपका गैर ज़रूरी सामान है ना उसको हटाते रहिए। क्योंकि अगर एक जो डीक्लटर्ड होम होता है, घर होता है, उसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे कामों को खुद अपने तरीके से मैनेज करती हूँ। और ऐसा नहीं होता, बीच में मैं कभी मेड लगा भी लेती हूँ, लेकिन कभी किसी वजह से लग भी जाती है तो फिर उसे मैं हटा ही देती हूँ, या वो खुद चली जाती हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था जो आप लोगों ने बहुत पहले से मुझसे डिमांड
प्लांट कर रखी थी आज बनाया। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये मेरा एक रूटीन है, या ये समझ लीजिए ऐसा मैंने अपने अंदर डेवलप किया है। और हर चीज़ की जो की होती है वो होती है खुशी। अगर आपके काम से आप खुद ही खुश नहीं हैं तो ऐसे काम का फ़ायदा क्या। एक चीज़ बताइए, आप घर में बोझ ले के सिर पे घर के काम भी कर रहे हैं, अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, सबको खुश भी रख रहे हैं, तो ऐसे काम का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपसे काम नहीं होता तो अपने पास हेल्पर ज़रूर रखिए, मदद लीजिए। बस एक घर का चलना ज़रूरी होता है, मेड का होना या ना होना ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालता। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।